कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर बवाल जारी है। पीड़ित डॉक्टर के न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं। इस बीच बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार ने एंटी रेप बिल पेश किया है। इसका नाम अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 है। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉस्को में संशोधन करता है। अब आइए आपको बताते हैं कि ममता सरकार का बिल पहले के कानूनों से कितना अलग है। दुष्कर्म की सजा की बात करें तो BNS के तहत इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें उम्र कैद का मतलब दोषी जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में गुजारना होगा। जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं बंगाल सरकार के बिल में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर तक की जेल की सजा भी सुना सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। रेप के बाद मर्डर की सजा के लिए BNS में कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। मौत की सजा का भी प्रावधान है। वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी को मौत की सजा सुनाई जाएगी, जुर्माना भी लगाया जाएगा। गैंगरेप की सजा की बात करें तो BNS में दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। सभी दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। वहीं बंगाल सरकार के बिल में गैंगरेप के मामलों में सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। इसमें भी उम्र कैद का मतलब होगा कि दोषी जिंदा रहने तक जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। मौत की सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। बार बार अपराध करने वालों को मिलने वाली सजा को लेकर BNS में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं बंगाल सरकार के बिल में ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को ताउम्र जेल में ही गुजारने होंगे। उसे मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा ट्रायल पीरियड को लेकर भी बंगाल सरकार के बिल में बड़ा बदलाव किया गया है। ये बिल कहता है कि पहली जानकारी मिलने के बाद 21 दिन के भीतर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। अगर 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट 15 दिन का समय और दे सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को लिखित में देरी की वजह बतानी होगी। जबकि BNSS पुलिस को 2 महीने में जांच पूरी करने का समय देती है। 2 महीने में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का समय और मिल सकता है। इसके अलावा बंगाल सरकार के बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 1 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा, जबकि BNSS में 2 महीने का समय है। फिलहाल इस बिल को ममता सरकार ने विधानसभा से पारित करा लिया है। अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून का रूप लेगी।